Hello, welcome to CR International online classes. Today we are going to discuss the composition of air. जैसे कि आप लोग जानते हो हम चैप्टर नंबर 12 की रीडिंग कर रहे हैं और इसमें हमने कल जो है यूजेस ऑफ एयर जो है वो कंप्लीट कर लिए थे. एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं वो हमने कल पढ़े थे. आज हम एयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कंपोजिशन का मतलब होता है कि एयर किस किस जो है किस किस से मिलकर बनी हुई है, किस किस तत्व से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, तो आज हम यही सब जानेंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एयर. चलिए शुरू करते हैं. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज ए बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. हम कहते हैं कि एयर जो है वो गैसेस का एक मिक्सचर होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है बैलेंस्ड मिक्सचर, यानी कि सभी गैसों की एक जो है बैलेंस मात्रा में जो है एक मिक्सचर होता है, उसी को हम एयर कहते हैं. यानी कि एयर के अंदर सभी गैसेस की मात्रा, जितनी भी गैसेस है उन सबकी मात्रा एक जो है बैलेंस में पाई जाती है. इट इज मेनली कम्पोज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फ्यू विद फ्यू अदर गैसेस. ज्यादातर अमाउंट में इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है. ऑक्सीजन तो आप लोगों ने सुनी भी होगी क्योंकि एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ब्रीथिंग करते हैं हम. ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होती है. उसके साथ साथ कुछ अदर गैसेस भी पाई जाती हैं, लेकिन वो गैसेस बहुत कम अमाउंट में पाई जाती हैं. ड्राई एंड क्लीन एयर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन. एक जो क्लीन एयर होती है, साफ एयर जो होती है, ठीक है, स्वच्छ हवा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है. ठीक है, और 21% उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है. तो ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन पाई जाती है. ठीक है, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ये गैस भी बहुत ज्यादा आवश्यक है. ठीक है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1% ऑफ आर्गन एंड अदर गैसेस. इसके अंदर 1% में ऑर्गन एंड अदर गैसेस जो है वो पाई जाती है. तो ये तो था इसका कंपोजिशन. यहाँ पर देखिए, हम इसको एक पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं. ये एक चार्ट है, इसमें देखिए ये जो ज्यादा ज्यादा वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, 78% है, ये नाइट्रोजन गैस को शो कर रहा है. और ये इतना एरिया जो है आपका, ये 21% ऑक्सीजन को शो कर रहा है. और ये जो आपको ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है, ये 1%, यानी कि इसके अंदर जो 1% में अदर गैसेस होती हैं वो इसके अंदर, इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है. तो इस प्रकार से हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझा सकते हैं जो है कंपोजिशन ऑफ एयर को. ठीक है, आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग अपनी बुक में एक बार देखना जरूर. ये वाले पिक्चर, ये रहा कंपोजिशन ऑफ एयर. ये 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर. चलिए शुरू करते हैं आगे का. नेक्स्ट जो है हमारा, मैनी नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक डस्ट, एश, स्मोक. आप लोगों ने देखा होगा कि एयर के अंदर गैसेस के अलावा जो है डस्ट भी पाई जाती है, वाटर वेपर भी पाई जाती है, स्मोक भी पाया जाता है, धुआं. ठीक है, और ये सारी चीजें जो है, एश भी पाई जाती है. ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो है एयर के अंदर
मिक्स होती हैं, ठीक है। तो मिक्स मतलब ज्यादा कम अमाउंट में ये मिक्स होती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार इनकी मात्रा जो है अधिक भी हो जाती है। तो ये जो है सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। खराब मौसम हो तो ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब खराब मौसम हो जाता है आप देखते हो बहुत सारी धूल भरी आंधियां जो है उड़ती हैं, तो हवा के अंदर डस्ट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है एयर के ही कंपोनेंट्स हैं। तो ये इन सभी से मिलके जो है हमारी एयर बनी हुई है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर।